لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول في جهنم هل امتلأت ونقول هل من مزيد فقال الله تبارك وتعالى فريق في الجنه وفريق في السعير صدق الله العظيم قابل قدر قابل احترام मेरे बुजुर्गों भाई और दोस्तों मैंने हमेशा हफ्ता वादा किया था कि हमारी जिंदगी बहुत सारे दिन से दूर होकर गुजर चुकी है तो मैंने ये कहा था कि कुरान की रोशनी में इंशाल्लाह जन्नत का तज़किरा किया जाएगा हालात बताए जाएंगे क्योंकि इसमें मौत तो बहुत कम पता है एक बीवी जहाँ तक बात जब मौत आ जाएगी तो ये सारी चीजें अपनी आंखों से नजर आएंगी तो उस वक्त माननी है लेकिन उस वक्त का मानना कोई दफा नहीं दे सकता और एक वजह कुरान पाक के अंदर भी और किताबों के अंदर भी ये वजह लिखी हुई है कि जन्नत जहन्नम या मुर्दों को कब्र में अजाब या सवाब होता है तो भी दिखाई भी नहीं देता दिखाई देता तो लोग मान लेते भी जो बदबख्त होता है जो गुनहगार मुसलमान होता है उसे कब्र में अजाब दिया जाता है ये सही हदीस से साबित है कब्र और कुरान पाक से भी साबित है कब्र के अंदर अजाब होता है तो फिर ये दिखाई क्यों नहीं देता है मेरे दोस्तों बुजुर्गो अगर वो कब्र का अजाब हमें और आपको दिखाई दे देता तो फिर तो सब सब मान ही लेते क्या सब मान लेते ना जो काफिर सब मुसलमान बन जाते जो गुनहगार वो फरमा बरदार बन जाते लेकिन देखने के बाद यकीन आना लाजमी है लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ ईमान जो है वो फिर देखने में तो दबर इतना लड़के अशोक रकम बिल गई लहु मग़फिरत व अज्र कबीर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो लोग अपने परवर की राह से पीछे क्यों डरते हैं उनके लिए बड़ा अजर और गुनाहों की माफी है जो लोग देख लेते हैं उनको तो बात नहीं मानना है मान काफी मानेंगे मानने के बाद ये शैतान की बीच में बहुत बड़ा अफसर काफी से बड़ा अक्सर कोई मानेगा कि अच्छा ये अजाब हो रहा है तो लोग जो ये कहते फिरते कि भाई हमें अजाब का नजर आता नहीं है और कौन देखने जाता है क्या होगा जो होगा देखना जाएगा ये बहुत गलत है हकीकत में आप ये चीजें आपको नजर आएंगी तो उसे तो मान जाएंगे आप उसे तो मानने का मतलब होगा नहीं अल्लाह का मतलब में आप फिर भी देखी हुई चीजों पर ईमान लाने का एक बात है इसी वजह से जो शख्स मर रहा होता है बहुत बड़ी बात की है तो मौत के बदले ईमान कबूल नहीं होता क्यों पता है फलम यत्फा फलम यत्फा यत्फा ईमान लंबा रहा उपासना कुरान पाक कहता है कि जब लोगों ने अजाब देख लिया अब उस वक्त ईमान लाने का इरादा करे तो उनका ईमान को दफा नहीं उनका ईमान को दफा नहीं दे सकता क्यों मौत के बाद फरिश्ते नजर आ चुके होते नजर आ रहे होते नजर आ जाते हैं तो जाहिर सी बात है देखने के बाद हर कोई मानता है मानता ही देखने के बाद अभी मानता है ना देखने के बाद मानना है अभी नजर नहीं आ रही लेकिन मानना है मेरे दोस्तों ठीक इसी तरीके से अल्लाह सुभान व तआला ने जहन्नम पैदा की है और जहन्नम के अंदर तरह तरह के अजाब तैयार कर रखे हैं वो गुनाहगारों के लिए जो बेनमाजियों के लिए दूसरों का मान दुखाने वालों के लिए दूसरों का दिल दुखाने वालों के लिए जमीन हड़पने वालों के लिए और लोगों के दिलों को ठेस पहुंचाने वालों के लिए तिब्बत करने वालों के लिए यानी जो भी बड़े बड़े गुनाहगार हैं वो अपने गुनाहों से तौबा ना करके मर जाए उनके लिए जहन्नम की आग तैयार है जहन्नम को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया तो सबसे पहले जहन्नम को 1000 साल तक भड़काया बहकाया और उसको सुलगाया 1000 साल तक सुलगाने के बाद जहन्नम की आग सफेद बन गई फिर अल्लाह
चुराई दहकाई भड़काई तो उसकी आग सुर्ख हो गई, लाल हो गई। फिर 1000 साल तक अल्लाह पाक ने जहन्नम दहकाई तो उसकी आग स्याह हो गई। अब जहन्नम खूब अंधेरे वाली है, उसके अंदर रोशनी की चीज नहीं है, अंधेरे वाली है। और जहन्नम की गहराई तक की हदीस पाक के अंदर आता है। हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि एक बार हम लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत बासआदत में बैठे हुए थे, अचानक हमने किसी चीज के गिरने की आवाज सुनी। समय का चौक छोड़ क्या हुआ कि किसकी आवाज है? आप सब जानते हैं कि ये कैसी आवाज है, क्या है? तो यार अल्लाह से सभी बेटा जानते हैं। आपने फरमाया कि ये वो पत्थर है जो अल्लाह तआला बताया कि जहन्नम की तह में पहुंचने के लिए 70 साल पहले छोड़ा था, वो जहन्नम की तह में जाकर गिरा। ये उसकी आवाज पता चला कि जहन्नम की गहराई 70 साल बरस का रास्ता है, जिसको डाला जाए वो कितना ही चला जाएगा, झुलस झुलस सा ही चला जाएगा। और फिर जाकर जन्नत की तह में जाकर पहुंचेगा। और फरमाया कि जब गर्मी शिद्दत में हो, यानी जब खूब गर्मी पड़ने लगे, तो जोहर की नमाज ठंडी करके पढ़ा करो। उसके बाद फरमाते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहन्नम की तेज जहन्नम में इतनी शिद्दत बढ़ गई, इतनी गर्मी बढ़ गई कि अपन अपन उसी पास आ पास आग के बाद हिस्से बाद हिस्सों को खाने लगे। तो उन्होंने शिकायत जहन्नम ने अपनी अपने रब अपने रब अपने रब की बारगाह में शिकायत की, याद रहा मेरा बाद हिस्सा बाद हिस्से को खाया जा रहा है, आप मुझे इजाजत दें कि मैं अपनी गर्मी हल्की करूँ। तो अल्लाह तआला ने जहन्नम को साथ में दो मरतबा सांस देने की इजाजत अता फरमाई। लिहाजा यदि तुम गर्मी महसूस करते हो, यदि तुम गर्मी दुनिया महसूस करते हो कि जहन्नम की लू का असर है जो उससे सांस के साथ बाहर आती है, दुनिया में गर्मी फैल जाती है, जहन्नम जब सांस लेती है सांस जब फैलती है तो जहां तो दुनिया के अंदर गर्मी फैल जाती है और ठंडी का मौसम आने वाला है, तो जहन्नम जब जहन्नम अपना सांपी सांप ऊपर भेजेगी तो दुनिया की सारी गर्मी अपने अंदर ले लेगी, इससे सर्दी आ जाती है। तो इसलिए आपने देखा होगा ना सबसे ज्यादा पसंद किसी को होती है और ना आधा जहन्नम आधा गर्मी वाले किसी को पसंद होती है। क्यों? ये दोनों चीजें जहन्नम की है, जायज वाले जहन्नम की चीजें पसंद नहीं हो सकती। और फरमाया जहन्नम
अपना पांव कदम मुबारक जन्नत पे रखेंगे, जहां तक उसमें से सुगर जाएगी सिमट जाएगा मेरी तब तक बिना सज का और भी कमाना की वरना पति का जहां तक तेरी इज्जत का वास्ता बस बस आप ले जाए अल्लाह का कदम मुबारक है जहां तक सुगरे जहां तक है जहां तक सर करेगी उसके बाद जहां तक पता संग होगी वाला कहे आओ तो अब वो कहे आ रहा है तो आ रहा है आ रहा है मेरे दोस्तों जुड़ो जहां तक अल्लाह का वादा ने तरह तरह के आजाद बनाए तरह तरह के आजाद पिछू का आजाब अलग है अजमा के कराता है कि जहन्नम में अल्लाह तबारक व तआला ने ऊंट जितने बड़े सांप बनाए और जहन्नमी को वो सांप एक मरतबा काटेगा तो 40 साल तक जहन्नमी को रफ्ता ही रहेगा रफ्ता ही रहेगा 40 साल तक रफ्ता रहेगा अल्लाह की तरफ खत्म ना होगी फिर तक मारेगा फिर रफ्ता ही रहेगा और पदान से लगे हुए पिछू के बड़ा छक्छक के बराबर पिछू है उसके अंदर यही कहते हैं वो डर जब मारेगा पिछू को 40 साल तक बंदा रफ्ता ही रहेगा कि हकीकत में अल्लाह की कसम ये पेश आने वाला है कि कुरान पाक के अंदर हदीस के अंदर जितनी बातें हैं मैंने पहले ही आपसे कह दी हैं कि आप अगर ईमान ना माने आप मान जाएंगे लम्मा रहो वासबा सना लोगों ने माना है बड़े बड़े लोगों ने मान लिया जब उनके ऊपर अजाब आया है और जब उनकी खोटी सही हुई है तो लोग वो भी गलत नहीं बस सही है यार इंजॉय करो डांस इंजॉय करने का टाइम यही बातें कुरान कुरान जैसे जैसे पता है कि अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु इसी तफसील में आप फरमाते हैं पैमाने के रास्ते
जाएगी, अपने भगत को प्रयोग भी जाएगी, और उसको आग में ऐसे डाल जाएगा जैसे सिर पर कबाब डाले, सिर पर कबाब डाले। उसके बाद फिर दोस्तों उनको कहा जाएगा किया है कि एक घंटा जो भी
एक घंटा में 50 किलोमीटर दौड़ता, एक घंटा जो रस्ते सफा हुआ होता। तो इस हिसाब से अगर जोड़ा जाए तो 30-72 घंटे लगातार थोड़ा हुआ है, तो तकरीबन लगभग 3,500 किलोमीटर का सफर कर रहा। तो एक जहन्नमी का दोनों पासों के दरमियान का जो फर्ज है 3,500 किलोमीटर थोड़ा होते तब खड़ा है, वो
अल्लाह सब जहन्नम से बचने का सामान करेंगे।